वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना। आखिर क्यों एकता कपूर को टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कहा जाता है? एकता कपूर का टीवी इंडस्ट्री पर कैसे बना है दबदबा और एकता कपूर ने कौन कौन से टेलीविजन पर दिए हैं हिट सीरियल, तो चलिए जानते हैं। एकता कपूर 45 साल की हो गई हैं। इतनी कम उम्र में एकता कपूर अपनी मेहनत से आज टीवी इंडस्ट्री में एक अलग ही जगह बना चुकी है। ये एकता कपूर के शानदार सीरियल थे जिनकी वजह से आज वे डेरी सोप की क्वीन के नाम से जानी जाती है। सीरियल की लिस्ट में कसौटी, जिंदगी की कहानी, घर घर से लेकर पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल का नाम शामिल है। कुमकुम भाग्य 2014 में एकता कपूर ने कुमकुम भाग्य को दर्शकों से रूबरू करवाया था, जिसके बाद से इस शो ने खूब वाहवाही बटोरी थी और इन तारीफों का सिलसिला आज भी जारी है। यह है मोहब्बतें। एकता कपूर कई साल पहले स्टार प्लस पर सीरियल लेकर आई थी यह है मोहब्बतें। उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह शो इतना कमाल कर जाएगा। सीरियल में दर्शकों की इशिता माँ के किरदार में काफी पसंद आई है सबको। फैंस की तरह से इस शो को काफी प्यार मिलता रहा है। सुपर नेचुरल टीवी सीरियल नागिन भी सफलताओं की सीढ़ी लगातार चढ़ता जा रहा है। इस शो की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि नागिन 4 के खत्म होने से पहले एकता कपूर ने अगले सीजन की घोषणा कर दी है और फैंस नागिन 5 को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नागिन कितना हिट शो है। पवित्र रिश्ता की लोकप्रियता का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑफर होने के कई साल बाद एक बार फिर से जी टीवी पे ऑन एयर कर दिया गया है। इस टीवी सीरियल ने भी टीवी पर लंबी पारी खेली थी और दर्शकों का दिल जीता था। सोनी टीवी के सुपरहिट शो बड़े अच्छे लगते हैं में एकता कपूर ने राम कपूर और शशि तंवर की नई जोड़ी को दर्शकों से रूबरू करवाया था। इस जोड़ी को भी दर्शकों से काफी प्यार मिला था। लॉकडाउन में ये टीवी शो एक बार फिर से लोगों के लिए ऑन एयर कर दिया गया था और दर्शकों के शो काफी फेवरेट शो था, जिसे दर्शक अभी भी देखते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की सफलता के बाद एकता कपूर की डेली सोप क्वीन कहा जाता है। उन्हें स्मृति ईरानी को तुलसी के रूप में एक नई पहचान दी थी। इस टीवी सीरियल ने टीवी की दुनिया पर 10 साल से भी ज्यादा समय राज किया था। शो की इतनी पॉपुलैरिटी है कि अभी भी हर कोई इस शो को याद करता है। कसौटी जिंदगी के दर्शकों का सीरियल कसौटी जिंदगी में श्वेता तिवारी यानी प्रेरणा की कहानी देखने को मिली थी। एकता कपूर के सीरियल ने भी काफी सफलता के झंडे गाड़े थे। ये सीरियल की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि एकता कपूर इस शो का दूसरा सीजन भी लेकर आ गई हैं। कहानी घर घर की सीरियल कहानी घर घर में दर्शकों की पार्वती की कहानी देखने को मिली थी। एकता की इस बहू की कहानी ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई थी। कभी सौतन कभी सहेली को भी काफी पसंद किया गया था। इस सीरियल में एकता की दोस्त अनिता हंसानी और ऋषि ढोलंकिया नजर आई थी। हम पांच से एकता कपूर ने अपनी टीवी करियर की शुरुआत की थी। एकता कपूर के पहले इस शो के जब लोकप्रियता मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विद्या बालन को भी इस शो में एकता कपूर ने ही ब्रेक दिया था। आपको कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद आया इनमें से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप किस सीरियल को मिस करते हैं ये बताना हमें ना भूलें। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका क्या है कि हमारी वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा वीडियो लाइक करना ना भूलें।